साथियों को मेरा नमस्ते। सावन के इस महीने में क्यों ना आज आपको कुछ ऐसी चीज बनाना सिखाऊं जिससे पैसे को आप अपने घर में अट्रैक्ट कर सकें। शायद ही कोई घर ऐसा होता हो जहां पर धूप और अगरबत्ती का इस्तेमाल ना होता हो, तो जब धूप जलानी ही है घर में रोज, तो क्यों ना ऐसी खुशबू बिखेर ली जाए जो एक तरफ तो निगेटिविटी आपके घर से बाहर कर दे, क्लेंजिंग हो जाए आपके घर की, और दूसरी तरफ वो वाली वाइब्रेशंस को क्रिएट करे जिनसे कि पैसा आपके पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। तो घर में ही मिलने वाली सभी चीजों से आज आपको कैसे आप एक कमाल की धूप खुद घर में बैठकर आधा घंटे में अपने लिए बना सकते हैं, और घर में जब आप वो जलाएंगे ना तो खुशबू तो फैलेगी ही, घर की सफाई तो होगी ही, लेकिन आप देखेंगे कि मनी भी अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें हम डालने जा रहे हैं जो मनी को अट्रैक्ट करती है हमारी लाइफ में। सब लोग रेडी हो जाइए, छोटी सी रेसिपी है, कुछ बहुत ज्यादा आपको करना ही नहीं है, बस याद रख लें कि चीजों को इकट्ठा करना होगा आपको घर में ताकि ये बन सके। क्या क्या चीजें आपको लगेंगी? सबसे पहली चीज, खुशबू के लिए आप ले लीजिए कोई भी सूखे हुए फूल की पत्तियां, जो फूल आपके पास अवेलेबल हो। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं इसीलिए किसी फूल का नाम नहीं बता रही, अदरवाइज आप लोग पूछेंगे क्या ये फूल लें क्या ये फूल लें। जो फूल आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए, आपके पास गुलाब हो, मोगरा हो, जो भी खुशबू आप देना चाहते हैं। खुशबू तो और सब चीजों की भी बनेगी, लेकिन फूल की खुशबू अलग महक होती है, तो जो खुशबू आपको पसंद है आप वो फूल दे सकते हैं। आपके बगीचे में जो फूल लगे हो आप वो फूल ले लें, उनकी पत्तियां सुखा लें, फूल की पत्तियां हो गई। पहली इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी फूल की पत्तियां। दूसरी चीज जो आप इसमें डालेंगे वो है नारियल के छिलके, चाहे सूखा नारियल हो चाहे पानी वाला नारियल हो, ढेर सारे आपको छिलके मिल ही जाते हैं। छिलके डालने से क्या होता है, आपकी धूप थोड़ा सा बंध जाएगी और अच्छे से जलेगी। तो थोड़ा सा हमने उसमें डाल दिए नारियल के छिलके, वो भी आपको आराम से मिल जाएंगे। एक नारियल ले आइएगा, खाइएगा सब लोग बैठकर, जो छिलके बचे उसको अपनी धूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है नारियल के छिलकों में भी। तीसरी चीज जो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है तेज पत्ता। हर किचन में तेज पत्ता जरूर मिलता है, तेज पत्ते की हम लोग रिचुअल्स भी बहुत सारी करते हैं, तो मेरे ख्याल से मेरा जो लोटस रेकी परिवार है सबके घर में तेज पत्ता जरूर ही जरूर होगा। तेज पत्ते को बोलते हैं बेलीफ, तो बेलीफ सबके घर में होगी ही होगी, मुझे पता है क्योंकि आप लोग रिचुअल्स करते हैं, मुझे रिजल्ट उनका बताते हैं, तो सबके घर में होगी। तो कुछ आपको ले लेने हैं तेज पत्ते, और आप क्या लेंगे साथ में, आप लेंगे सिनेमन स्टिक। सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, दालचीनी भी सबके घर में होगी, जिनके घर तेज पत्ता होता है वो दालचीनी भी जरूर रखते हैं। तो ये सभी गरम मसाले हैं, लेकिन ये मसाले रिचुअल्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, कैसी भी हम रिचुअल्स करते हैं उनमें बहुत यूज होते हैं, खासतौर पर मनी अट्रैक्शन वाली रिचुअल्स में ये बहुत यूज होते हैं। तो साथ में आपने डाल ली दालचीनी, ये चीजें पहले कलेक्ट कर रहे हैं आप जो जो मैं बता रही हूँ, तेज पत्ता दालचीनी हो गई। साथ में आप डालेंगे काली मिर्च, काली मिर्च के रिचुअल्स बहुत ज्यादा होते हैं तंत्र शास्त्र में, खास तौर पे पैसे को अट्रैक्ट करने। तो आपने काली मिर्च कुछ ले ली थोड़ी सी, इसके बाद आप लेंगे हरी इलायची। हरी इलायची बहुत अच्छी होती है, आपके शुक्र को मजबूत करती है, साथ में पैसे को आपके घर में आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करती है। मैंने एक बार रिचुअल में भी बताया था, आप पर्स में भी रखिए, तो आप इसमें भी डालिए हरी इलायची। तो ये चार पांच सामान तो सबके घर में होगा ही होगा। साथ में आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर। केसर क्या करता है, इसकी सुगंध जो होती है मन को मस्तिष्क को शांत कर देती है एकदम, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है केसर का। तो थोड़ा सा केसर, मुझे पता है महंगा होता है तो बहुत ज्यादा नहीं डालना है, जितना आप डाल सके थोड़ा सा केसर लेके उसमें जरूर डालें। थोड़ा सा केसर हो गया, केसर के साथ आप इसमें डालेंगे संतरे के छिलके, ऑरेंज पील। कौन सा संतरे का छिलका, ऑरेंज जो संतरा होता है उसके छिलके को लेकर आप सुखाएंगे और फिर इसमें डालेंगे संतरे का छिलका। संतरे को क्यों, देखिए फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, बहुत सारे फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जो प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस को दिखाते हैं। अगर हम फंगशुई की बात करें तो अक्सर हम बताते हैं कि संतरे का पेड़ घर में लगाइए, छोटा सा पौधा लगा सके, प्लांट लगा सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आर्टिफिशियल एक फलदार पौधा लगाइए संतरे का। तो संतरे का क्यों,
क्योंकि नारंगी जो रंग है ना आपके लिए प्रॉस्पेरिटी को इंडिकेट करता है, प्रॉस्पेरिटी को लेकर आता है। तो संतरे का छिलका होता है मनी की वाइब्रेशंस को क्रिएट करने वाला। तो आपने क्या किया, संतरा लिया, संतरे खाने के बाद जो उसके छिलके हैं उनको धो लें, धोने के बाद संतरे छिलके सारे आपको सुखा लेने हैं। वैसे पाउडर भी मार्केट में मिल जाता है संतरे का, लेकिन आप क्यों पाउडर के लिए जाएं, आप चाहें तो संतरा ही ले लें। और अगर संतरा भी नहीं है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल जो होता है ना आप वो भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने इकट्ठी कर ली और इसमें आप क्या डालेंगे, अदरक। अदरक यानी कि सूखा हुआ अदरक, जिसको कि हम सौंठ बोलते हैं। तो आपने सौंठ ले लेनी है, सौंठ नहीं हो तो अदरक को ले लें, पूरी तरह से उसको सुखा लें। सूखे हुए अदरक अगर आपके घर में है तो ठीक, नहीं तो 4-6 दिन पड़ा रहने दीजिए, अदरक सूख जाएगा। सूख जाएगा तो आपके काम का आ जाएगा, नहीं तो आप मार्केट से सौंठ लेके आ सकते हैं, जनरल स्टोर सब पे मिल जाती है परचूनी की। तो ये हो गए आइटम्स जो कि आपको जरूरत है। इतने आइटम मेरे ख्याल से घर में सबके मिल जाएंगे। अगर एक आध कोई चीज नहीं भी मिलती है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जैसे अगर केसर है, केसर थोड़ा कॉस्टली आप सब बोलेंगे नहीं समझ में आता है, आप केसर को स्किप कर सकते हैं। बाकी तो सारी चीजें बहुत आराम से आपको मिल जाएंगी। सब चीजों को सूखी हुई इकट्ठी कर लेना है, गीला अदरक नहीं, सूखा सौंठ, जो सूखा ड्राई जिंजर होता है वो आपने इकट्ठा कर लिया। सब चीजें ये ले ली, इसके बाद आप क्या करेंगे, मिक्सर में जार में डालिए, इन सारी चीजों को पीस लीजिए। बिल्कुल पीस कर आपको बना लेना है पाउडर। एक चीज और मैं बताना इसमें भूल गई, आप इसमें कपूर भी डालिए, कपूर की टिकिया या कपूर का छोटा सा टुकड़ा भी डालिए। तो इतनी सारी चीजों को मिक्सर में लेकर पीस लिया आपने, उतना पीसिए कि एकदम बारीक हो जाए, क्योंकि नारियल का जो छिलका है उसको पीसने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एकदम आपको बारीक पाउडर बना लेना, बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाएगा। बारीक पाउडर बनने के बाद इसको निकालिए किसी कटोरी में। कटोरी में निकालने के बाद आप में से बहुत सारे लोग अब तक मनी ऑयल ले चुके हैं, मुझे मालूम है, मेरे लोटस रेकी परिवार में तो सबके पास है, क्योंकि आप लोग रिचुअल्स करते हैं। तो अगर मनी ऑयल है तो मनी ऑयल की 1-2 ड्रॉप्स आप डाल दें, क्योंकि मनी ऑयल में वो सारी चीजें हैं जिससे पैसा अट्रैक्ट हो। तो अगर आपके पास है तो आप उसमें 1-2 ड्रॉप मनी ऑयल भी डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लेंगे घी, थोड़ा सा शुद्ध घी ले लें, और जैसे हम बांधते हैं धूप को उसी तरह आपको धूप को बांधना है। बहुत जरा सा डालना है, ज्यादा डालेंगे तो फैलने लगेगा, गीला हो जाएगा। और बांधने के बाद उसको जो चाहे आप शेप बना लें, जैसे ये इधर की धूप है तो आपने जो चाहा ऐसे करके शेप इसका बना लिया। आप चाहे इसको कोन बना लें या आप चाहे तो ऐसा लंबा बना लें, जैसा भी आप बनाना चाहेंगे हर शेप में बन जाएगा। ये धूप बनाने का तरीका है इस तरह से। देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैंने घी डाला हुआ है, कलर हो सकता है आपका थोड़ा अलग आए इससे, क्योंकि चीजें आपने क्या ज्यादा डाली क्या कम डाली उस पर डिपेंड करेगा। और लेके बस घी इतना डालना है कि हल्का सा उंगली है बस चिकनी रहे और आपका ये बंध जाए, धूप आपका बंध जाए। तो ये जो धूप है इस तरह से बिल्कुल मार्केट जैसी ही धूप आपकी बनेगी। बस आपको रेशो का थोड़ा सा याद रखना है घी का, घी ज्यादा होने से क्या है वो फैलने लगेगा, तो आपको वो नहीं करना है। तो जरा सा लेके ऐसे बनाया, गाढ़ा गाढ़ा रखा और उसको शेप देके रख लिया। किसी भी डिब्बे में भर के रख लें या किसी पॉलिथिन में आप रैप करके रख लें ताकि उसमें खुशबू भी रहे। डेली एक धूप अपने घर में जलाइए, 2 जलाते हैं सुबह शाम, बहुत अच्छा है। इसको जलाने से क्या होगा, जो इसका धुआं फैलेगा, सबसे पहले तो निगेटिविटी आपके घर से दूर भागेगी। क्यों भागेगी, आपने इसमें कपूर डाला है, आपने इसमें तेज पत्ता डाला है, ये सारी चीजें निगेटिविटी की क्लेंजिंग करती है। तो निगेटिविटी की क्लेंजिंग होगी, जैसे जैसे धुआं फैलेगा, अगर आप पूरे घर में धुआं दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छा। और दूसरा, ये मनी को अट्रैक्ट करेगा, ये जो धुआं आपके घर में फैलेगा ना, ये पैसे की वाइब्रेशंस को क्रिएट करेगा आपके घर में। तो इस तरह से ये है धूप, बड़ी ही आसान तरीके से आप इस धूप को बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको हाथ साफ करने की जरूरत है, बस ये याद रखिएगा ज्यादा गीला या इस तरह का ना बनाए ताकि आप उसे बांध पाए ठीक से। थोड़ा थोड़ा आप खुद अपना रेशो आपका कितना है उसमें घी डाल के उसे बांधते जाइए और देखिए क्या कमाल की मनी अट्रैक्शन आपकी धूप बनती है। आप कुछ दिन इसको जलाकर घर में देखिए, रिजल्ट आप खुद महसूस करेंगे। जैसा भी आप लोग रिजल्ट फील करते हैं जरूर मुझे बताइएगा। मन शांत रहेगा, फैमिली मेंबर्स के बीच में प्यार बना रहेगा, निगेटिविटी घर से बाहर रहेगी, साथ में आप अट्रैक्ट करेंगे मनी को। तो ऐसी
ऑलराउंडर ये एक धूप है जो आप लोग अपने घर में बना सकेंगे। तो मैं हूं शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक करती हूँ सबको नमस्ते।